आप मतलब डिसाइड कर लो, आखिरी चांस दिया जा रहा है आपको, आप डिसाइड कर लो कि आप कल्कि का साथ देना चाहते हो या कली का साथ देना चाहते हो। और संदीप महेश्वरी ने चुना है कली का साथ देना, और कल्कि भगवान के विरुद्ध खड़ा होना यह संदीप महेश्वरी ने चुना है। और ये फर्जीवाड़ा आप छोड़िए संदीप जी, ये सब छोड़िए आप, क्योंकि ये 4 से 5 साल का खेल बचा है बस इस सब का। आपकी कंपनी वंपनी कुछ नहीं बचेगा भाई, कुछ नहीं बचेगा, हर तरफ हाहाकार 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 मचेगा, और उस समय सिर्फ और सिर्फ काम आएगी। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की कड़ी की तुम गुहार दो। मौत अंत है नहीं, तुम मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। बहुत दिनों के बाद संदीप महेश्वरी एक्सपोज्ड, क्यों, क्या ऐसी जरूरत पड़ी मुझे कि संदीप महेश्वरी को मुझे एक्सपोज करना पड़ रहा है इतने दिनों बाद। भैया फर्जीवाड़े की सारी सीमाएं पार कर दी संदीप महेश्वरी ने, समझिए पहले कारण समझिए आप। हम जो है युग परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, सत्ययुग की स्थापना हेतु हम जा रहे हैं सभी लोग। एक महान ऊर्जा ब्रह्मांड में चल रही है, युग परिवर्तन की एक महान चेतना कार्य कर रही है, और जो पहले कभी नहीं देखा गया था वैसा नजर आ रहा है। मतलब जो लोग सोशल मीडिया भी चलाते हैं उनको भी दनादन कल्कि अवतार के स्टेटस एक के बाद एक नज़र आ रहे होंगे। कल्कि कल्कि हर जगह कल्कि चर्चा नज़र आ रही होगी। कैसे हो रहा है वो, यूट्यूब की एल्गोरिदम तो उसे प्रमोट कर नहीं रही होगी। वो एक विशेष चेतना है जो ब्रह्मांड में इस समय प्रवाहित हो रही है, ताकि लोग जो है मौका दिया जा रहा है कि भाई आप मतलब डिसाइड कर लो, आखिरी चांस दिया जा रहा है आपको, आप डिसाइड कर लो कि आप कल्कि का साथ देना चाहते हो या कली का साथ देना चाहते हो। और संदीप महेश्वरी ने चुना है कली का साथ देना, और कल्कि भगवान के विरुद्ध खड़ा होना यह संदीप महेश्वरी ने चुना है। क्यों चुना है, जिस प्रकार के शोज ये अभी निकाल रहे हैं भाई साहब, मतलब कभी अरविंद अरोरा को बुला लिया, कभी उस लड़की को बुला लिया कि उसने नीट की जो है सी टेट वी टेट लोगों को सिखा रही है। भैया क्या चल रहा है, ये सब फेल होने वाला है। ये मुश्किल से 4 से 5 साल के अंदर ये सारी व्यवस्था सारा सिस्टम फ्लॉप होने वाला है। ना सी टेट बचेगा ना नौकरी बचे, मतलब कौन से वहम में जी रहे हो भैया। भाई इन सब की बैंड बजने वाली है, समझ रहे हो ना, जितने भी ये सिस्टम का सपोर्टर्स है ना, जितने लोग कि भैया मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहे हैं, जो सरकार के पिछलग्गू हैं, जो मुख्य धारा के जितने भी पिछलग्गू हैं, ये सब कि कैरियर पे फोकस करो, ये सब जितने भी लोग हैं, इन सब की दबा के बैंड बजने वाली है, और उस टाइम पर इनके पास कोई उपाय भी नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ मित्र, युग परिवर्तन का समय आ चुका है, और ये फर्जीवाड़ा आप छोड़िए संदीप जी, ये सब छोड़िए आप, क्योंकि ये 4 से 5 साल का खेल बचा है बस इस सब का। आपकी कंपनी वंपनी कुछ नहीं बचेगा भाई, कुछ नहीं बचेगा, हर तरफ हाहाकार 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 मचेगा, और उस समय सिर्फ और सिर्फ काम आएगी तो ऑर्गेनिक खेती। जो लोग अपना खाना उगाना जानते होंगे वही सर्वाइव कर पाएंगे, और ये जितने भी सिस्टम के पिछलग्गू, कैरियर के पिछलग्गू, सरकार के पिछलग्गू, इन सब की बैंड बजने वाली है। मैं जानता हूं कि 100 में से 90 लोग मुझे गालियां देंगे इस वीडियो को सुनने के बाद, कमेंट्स में गालियां लिखेंगे, लेकिन उतने तक मतलब ये वीडियो डिलीट नहीं होगा। लौट के आना 4 साल बाद, जब त्राहिमाम त्राहिमाम मच रहा हो हर तरफ, तब तुम्हें चाणक्य तिवारी के शब्द गूंजते नजर आएंगे, लेकिन तब तक तुम लेट हो चुके होगे। अगर तुम इंतज़ार कर रहे हो ना कि हम 4 से 5 साल बाद जब नतीजा आएगा तब हम जो है शामिल होंगे इस आंधी में युग परिवर्तन की, तो आप भूल जाइए, तब आपको मौका नहीं दिया जाएगा, मौका अभी दिया जा रहा है। कली का साथ देना है या कल्कि का, चुनाव करिए अभी राइट नाउ।